तो ये मंदिर का एंट्री के पास हम लोग खड़े हैं और मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। देखो श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और अपनी बाइक धन्नो रेडी है चलने के लिए। सो भैया अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे नाश्ता के लिए, नाश्ता होगा मेरा, इस जगह जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अभी कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। और अंदर ब्लूटूथ लगा के मस्त गाना सुन रहा हूँ भाई साहब। दोनों फोन है ना, और मॉर्निंग में मैंने पेट्रोल फुल कराया था और अभी भी फुल ही दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने इसके अंदर डलवाया था पावर 95 का और अभी तक फुल बता रहा हूँ। माइलेज मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है। तो यहाँ से कुछ कसारा घाट है, वो है अराउंड 19 किलोमीटर, जो कि ऐसा यू होगा, फटाफट होएगा। अभी एक्चुअल में मौसम जो है ना ठंडा है, गर्म है ही नहीं, तो इससे क्या राइडिंग करने में मज़ा भी आ रहा है। अगर यही गर्मी रहता ना तो भाई साहब मैं बोलता हूँ ना, मज़ा थोड़ा भी नहीं आता। अगर ये चीज़ मैंने पहले कर लिया होता तो आज मेरा मुंबई टू यूपी वाला व्लॉग मेरे साथ होता यार। एक्चुअल में मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मेरे दिमाग में आया नहीं कि इसमें वाईफाई से अपन वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी एडेप्टर और बिना किसी और चीज़ के। तो अभी मैं यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि हम लोग इससे डाउनलोड भी कर सकते। तो मेरा मेमोरी कार्ड भी जो था वो फुल हो चुका था, तो मैंने पूरा डाउनलोड किया, हर एक चीज़ किया, वापस से मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट मारा और वापस से रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मुझे पता होता होता है डाउनलोड तो आज मेरा मुंबई टू यूपी वाला व्लॉग होता है यार, क्या बोलूँ। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चंदन का ब्लूटूथ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फ़ोन उसका कनेक्ट है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे गाने बजा रहा है ना भाई, क्या मज़ा आ रहा है। वाह 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 वाह, और गाना भी ऐसा बजा रहा है कि क्या बोलूँ भाई, नींद आने वाला। अगर मैं गाना गाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आएगा। ना 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 ना, अब समझ जाओ कौन सा गाना है ये। तो अभी यहाँ से जो कसारा घाट है कुछ 5 या 10 किलोमीटर ही रहेगा, तो कसारा से अपना घर 110 किलोमीटर, फिर बहुत थोड़ा फट होगा, फिर दिक्कत। अब ये मेरा मीटर ख़राब हो चुका है या क्या है ये मुझे भी नहीं पता। अरे साला पेट्रोल फुल ही दिखा रहा है, इतना गाड़ी भागा है हम लोग ने सब कुछ, अभी भी फुल दिखा रहा है। नहीं तो हर बार क्या होता था, आने के टाइम 2 या 3 गाड़ी बसता था, अभी भी फुल दिखा रहा है। या तो माइलेज अच्छी मिलती होगी भाई, अब वो पता नहीं क्या है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बट मुंबई में बारिश ज़रूर मिल जाएगी अपने को। मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग अच्छा बने, वीडियो अच्छा बने, बट क्या करूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्या बोलने का यार। क्या बात, वाह। एक्चुअली राइड में यही सब गाने सुनने में मजे आते हैं। चंदन एक ऐसा ही
और एक गाना लगाओ, हाँ प्यार भरे गाने। और मौसम तुम देख ही रहे हो कैसा चेंज हो गया, परिवर्तन देखो मौसम का दोस्त, मौसम का परिवर्तन देख रहे हो तुम कैसा हो गया, अभी धूप था अब बारिश वाला मौसम हो गया। तो यही संसार का नियम है दोस्त, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जैसा मौसम चेंज होते वैसा अपने आप को भी चेंज करने की आदत डालो। और चंदन ने एक नया गाना लगाया है, वाह वाह भाई वाह वाह चंदन, दिल जीत लिया तुमने। है कि गया, है कि गया, सो अभी एक गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई। नहीं नहीं तुम गाना बजाओ, थोड़ा मूड ऑफ हो गया यार, पता वो बंदा एक्चुअली एकदम से पूरा वो हो गया, क्या बोलते हैं आदमरा टाइप हो गया पूरा। सो भैया अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कसारा घाट, क्रॉस बोले तो अभी हम लोग उतरने वाले हैं कसारा घाट। और बारिश चालू हो गई, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो हम लोग उतरेंगे नीचे, नहीं बंद कर रहा हूँ, चालू है गाड़ी। तुम लोग बोलोगे गरीब गरीब गरीब, गरीब नहीं है बहुत पैसा है, नहीं रे बाबून गरीब ही है। हाँ रोड बना दिया भाई, नंबर रोड बन गया। वो बुलेट वाला फुल ऐसा लग रहा है मोटो जीपी में चला रहा है, हल्का सा भी उसका क्रैश गार्ड लगा ना सीधा खाट करके जाएगा। वाह ये देखो बाप, ये स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहेगा तब जाके गिरा रहेगा। तो भैया इसका स्पीड जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ रहेगा तो ही आके गिरा रहेगा, बाप रे बाप। तो ये ट्रक है, इसके लिए कहते हैं भाई घाट उतरने के टाइम पे बहुत ही स्लो चलाने का, देख लो। पूरी ट्रक पलटी हो गई है, चलाने वाला बचा भी है या फिर निकल गया रहेगा भाई, पूरी ट्रक घुस गई है अंदर, कंट्रोल ही नहीं हो रहेगा भाई, समझा। खाट डायरेक्ट है ना, स्पीड कंट्रोल ही नहीं होगा। इसके लिए हमेशा का घाट पे ना उतरने के टाइम पे अपने को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और आज बहुत एक्सीडेंट देखने मिला भाई, मतलब एक्चुअली मैं आता जाता हूँ यहाँ से, मतलब बहुत बार आ गया हूँ, मतलब इतना एक्सीडेंट देखने मिला ना, मैं पहली बार इतना एक्सीडेंट देखा भाई। जा भाई जा, पहली बार मैं इतना एक्सीडेंट देखा भाई, रस्से पे ट्रक पलटी हुआ है, अभी एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद सुबह घाट के चढ़ने के टाइम पे पिकअप का एक्सीडेंट हुआ। क्या है क्या भाई, इसके लिए ही इसको भूत वाला रोड बोलते भाई। बहुत ही खतरनाक घाट है भाई, बहुत ही खतरनाक घाट है भाई साहब ये। तो भाई डर लगेगा ही ना, हटेगी ना भाई, अब घुस जाएगा लेके सीधा, क्या करेगा ये देख, अब लेके घुस जाएगा कहीं, अब ये खाली है देख ऐसे देख। अरे खाली है तो भी भाई
जरा सा मस्ती किया गया। सो भी मैं घाट पे रुका था, कितनी गहरी खाई, अगर कोई भी उल्टा सीधा हरकत किया नहीं संभला सीधा नीचे, और वो वहाँ पे ट्रेन जा रही है शायद दिखता होगा SJ में। तो चलो कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करता फिर उसके बाद मिलता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे और मैंने पोर्ट्रेट मोड में वीडियो लिया जो कि थोड़ा भी अच्छा नहीं था, तो अभी मैं अपने फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो भैया फ़ोटो शूट वगैरह मत करना, यहाँ पे अलाउड नहीं है घाट पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं वरना पुलिस आएगी तो फाइन मार देगी। तो चंदन ने कुछ फ़ोटो क्लिक किया मेरा, अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किए उसने, तो आप लोग इंस्टा पर जाके देख सकते हो, इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा। तो ये रहा चंदन, चलो मिलता हूँ मैं आपको।